मुरादाबाद के पिलारी विधानसभा 30 पर भाजपा का प्रत्याशी का विरोध। परमेश्वर लाल सैनी, भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को बनाया है पिलारी विधानसभा से प्रत्याशी। यादव बाहुल इलाके में यादव समाज के लोगों ने परमेश्वर लाल सैनी का किया जा रहा है विरोध। परमेश्वर लाल सैनी को हारा हुआ प्रत्याशी बताते हुए यादव समाज का उम्मीदवार उतारने की जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करते हुए उठाई मांग। कहा, अगर टिकट नहीं बदला तो सपा प्रत्याशी को लड़ाएंगे बिलारी विधानसभा से चुनाव। अगर सैनी को टिकट नहीं कटता है, किसी यादव को टिकट नहीं होता, तो आप लोग क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी है। किसे लड़ाएंगे फिर? फिर तो मजबूरी है साहब, साइकिल ही लड़ाएंगे, फिर क्या करेंगे? जो तुम्हारे जीवन में कोई ना जीत पावे, ना पहला जीतेगा फिर जीत पावा। बहुत दमदार आदमी को टिकट मिलना चाहिए यहाँ पर। गांव कौन सा है? गांव बलकरनपुर। विधानसभा कौन सी है? बिलारी। बिलारी टिकट कैसे हुआ? टिकट अभी तो फिलहाल में सैनी साहब को हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं किसी दमदार को टिकट होता है यहाँ पर। किसको होना चाहिए? किसी यादव को हो जाए, हम ये नहीं कह रहे किसे किना है हो जाए, किसी यादव को हो जाता, भले यादव को हो जाता तो सीट लेकर जाती यहाँ पर। परमेश्वर लाल सैनी पिछली बार कितनी बार अब तक यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं? यहाँ से दो तीन बार, तीन बार लड़ चुके हैं। हाँ, तीनों बार कभी कामयाबी ना मिली उन्हें। हारेंगे आपकी बार तो और ज्यादा वोटों से हारेंगे। क्यों? क्यों और क्या वजह है? क्यों हार जाएंगे? नहीं, मतलब पहले इतने खुश नहीं होते इनसे। अगर ये तीन बार दे रखा है आदमी को टिकट, तीन बार दे दे, तीन बार सीट नहीं निकाल पाए तो अब क्यों क्या निकाल पाएंगे? किसको टिकट हुआ इस बार? क्यों बार परमेश्वर लाल सैनी जी को? कौन है सैनी जी? मतलब लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं और पहले भी मिल चुका है टिकट, तो पहले भी हार गए तो आपके क्या निकाल पाएंगे? अब भी सरकार फिर भी इतना। किसके लिए टिकट मांग रहे हैं? किसके लिए? किसी यादव को हो जाए, किसी भी यादव को हो जाए, यादव को हो जाए टिकट। यादव के लिए? हाँ, बिलारी विधानसभा से। कौन से बिलारी? कौन से विधानसभा? विधानसभा बिलारी 30 से। 30 विधानसभा? हाँ, किसी भी यादव को हो जाए। ये लगभग कितने यादव समाज के कितने लोग? 55,000 वोट है। 55,000 वोट लगभग। 57 है सर। अगर अगर नहीं होता है तो हारेंगे, पक्का हारेंगे, निश्चय है। तो हम माननीय आप लोग बीजेपी के साथ ही रहेंगे? हाँ, बीजेपी के ही साथ रहेंगे। वैसे तो रहेंगे बीजेपी के साथ, मन वो मन भाव नहीं रहेगा ना, जो देखना चाहते हैं। हार जाएगी पक्का सीट, और इनका सीट ये तो एक सीट से ही मुख्यमंत्री हार जाते हैं, एक से ही बन जाते हैं। हम हार का मुंह देखना नहीं चाहते। माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है कि एक बार बिलारी विधानसभा से यादव को मौका दिया जाए और सीट चैलेंज से जीतेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हमें पूर्ण विश्वास है माननीय योगी जी से कि एक बार यादव को मौका बिलारी विधानसभा पे दिया जाए, सीट 100% जीतेगी। और नहीं तो सीट जब सैनी साहब के फांसे में रहेगी हार के बाद। योगी जी, मैं बोल रहा हूँ योगी जी सुन लें, अगर सीट हमारी हारती है तो योगी जी को खमियाजा उठाना पड़ेगा इस सीट का। एक सीट से भी मुख्यमंत्री हार जाता है और एक से ही बन जाता है। हम प्रार्थना करते हैं माननीय योगी जी से, किसी भी यादव का टिकट विधानसभा बिलारी से कर दें और बम्पर वोटों से बिलारी विधानसभा सीट जीत के जाएगी और ऐतिहासिक नाम बिलारी विधानसभा का वो होगा।